बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद मोहम्मद अजमेरी हूँ, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ, ये महीना कैसा है और ये लियो के लिए। और लियो ये महीना फरवरी का आपको स्टार्ट होगा 21 जनवरी से 20 अप्रैल के दरमियान, 20 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो ये इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू लियो, इसका आपने फ़ायदा उठाना होगा। आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। आखिर तक प्रोग्राम सुनिएगा और फिर मैं आपके साथ इस पर आप फिर आपके कमेंट्स भी आएंगे। आई होप के जनवरी का महीना उनको बेहतर ही गुजरा होगा, क्योंकि लेकिन संजीदगी से गुजरा होगा, क्योंकि छठे घर में शाम था, तो इसलिए कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहे आप लोग। तो अब यहाँ देखते हैं कि सातवें का लॉर्ड आठवें में बैठा है, तो क्या गुल खिलाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सन आपके सातवें घर में है, अब सातवें का लॉर्ड सैटर्न आपके जो है ना वो आठवें घर में बैठा है, तो थोड़ा सा एक चीज़ होगी कि आपके अजवाजी तलकात में आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, किस किस्म के आ जाते हैं कि आपका पार्टनर बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या वो उसको कोई विरासती जायदाद में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो पैसों का थोड़ा सा मसला आ जाएगा। दूसरों से मिलकर किसी भी किस्म का गैर कानूनी काम आपने नहीं करना है। गैर कानूनी काम में उलझने की वजह से कोई ना कोई लीगल इशू में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये एक चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मुताहत रहना। वैसे ये एक प्रिकॉशंस बताई थी मैंने कि अगर आपका पार्टनर बीमार हो तो आपने उसको इजी नहीं लेना, उसके साथ उसको डॉक्टर को दिखाइएगा, और अगर कोई ना कोई गैर कानूनी कामों में नहीं घुसना। सातवें घर में जब सन आता है और वो विदाउट एनी नेगेटिव आस्पेक्ट्स, यहाँ पे आपका केंद्र भी खाली है, केंद्र में जुपिटर आपके दसवें घर में बैठा हुआ और सन आपके सातवें घर में, और ये इस वक्त आपका केंद्र जो होता है ना वो आपकी कह लें कि पर्सनल चीज़ें आ रही है। आपका पहला घर आपका अपना, दूसरा चौथा घर वालदा का, सातवां आपके स्पाउस का और दसवां आपका फादर का। तो यहाँ पे रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्तों को भी पढ़ना तो इस घर से पढ़ते हैं, तो रिश्ते में आपका किसी किस्म का खलल नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, जिसे आप कहें कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा कोई ना कोई किसी किस्म का। तो एक तो ये महीना आपका बहुत ही पुरसकून होगा। दूसरा यहाँ पे जो सातवां घर है आपकी आपके स्पाउस का, तो यहाँ पे आपके और आपके मियाँ में, आपके खावंद में या आपकी बीवी में, जो भी मेल है तो बीवी और फीमेल है तो खावंद है, तो मैं उसका ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ स्पाउस। स्पाउस जो है ना वो आपके रिलेशन विद ईच अदर इज वुड बी एक्सीलेंट, बड़े संजीदगी से आप आपस में रहेंगे, रिस्पॉन्स देंगे कि एक दूसरे को, एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरे करेंगी, अच्छा ओपिनियन रखेंगे आप, रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स ओपिनियन अबाउट यू, और यहाँ पे आप कह लें कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी आपकी यहाँ पे बहुत ही बेहतर किस्म की नज़र आती है। तो मियाँ बीवी में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप सोच नहीं सकते कि वो आपका, आप उसका ख्याल रखेंगे वो आपका ख्याल रखेगा, तो इस किस्म का चिल किस्म का माहौल होगा। मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जिनकी मोहब्बत है, मोहब्बत चल रही है, वो उनकी शादी कन्वर्ट हो सकती है मोहब्बत की, और यहाँ हाँ हो जाएगी या पेरेंट्स मान जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैं बता दूँ, लियो बेस्ट टाइम है टू डिस्क्लोज योर ट्रू लव, अपनी मोहब्बत का आपका इस्तेमाल बहुत ही यानी कि कह लो कि बेहतर है, अच्छा है। और यहाँ पे आपके लव अफेयर्स में भी बहुत ही बरकत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। मियाँ बीवी के आपस में ज़हनी व जिस्मानी तलकात बहुत बेहतर होंगे,
दूसरों की वजह से फ़ायदा मिलना यहाँ पे ये आपको या नुकसान, तो यहाँ पे आपको दूसरों की वजह से भी बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे। शराकत दारी जो करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बिजनेस एकदम चढ़ जाएगा उनका, पार्टनरशिप में एकदम फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अगर आप बाहर के मुल्क में बैठे हैं तो वहाँ पे यू विल बी गेट फेम, अपने नाम कमाएंगे वहाँ पे। अच्छा, ये आपके अजाए मखसूसा का भी है सेकंड कंसेप्शन, तो यहाँ पे सेकंड कंसेप्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वो लोग जिनका सेकंड बेबी आना है तो वो ये महीना उनके लिए बेस्ट है कि वो अच्छे तरीके से उनका स्पाउस कंसीव कर जाएगा ये। अच्छा, घरेलू खुशियाँ बड़ी होंगी, दूसरों के बारे में, दूसरों की आपके बारे में राय बहुत बेहतर होगी, और ये आपके स्पाउस का भी असेंडेंट बन जाता है, तो इसलिए आपका आपका स्पाउस का जेन भी बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरों की मदद से गैर मुल्की सफ़र करना, यहाँ पे कोई ना कोई आपको, जैसे गवर्नमेंट मुलाजम है तो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल गया, कोई बाहर कोर्स आ गया या कोई इस तरह, या आप कंपनी की तरफ से चले गए आपको रिकमेंडेशन आ जाती है, या वो जो डॉक्टर हजरात हैं वो अपना कंपनियों से टिकट मिल जाती है मेडिसिन कंपनियों से, तो वो बाहर चल जाते हैं। यानी कि दूसरों की दी हुई टिकटों पे सफ़र करना, हैप्पीनेस, आम खुशियाँ, ये महीना आपको बहुत ही चिल रखेगा। अगर आप बीमार हैं तो बहुत ही सेहत अच्छी हो जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी, यानी कि ये इलाज आपका अगर है तो बहुत अच्छा होगा। करोड़ में जाएंगे तो करोड़ में आपको बड़ा रिस्पांस मिलेगा, कोई लिटिगेशन केस आपके हक में हो जाएगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी जो मिल नहीं रही थी, रिकवरी ऑफ लॉस प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर के मुल्क में इज्जत हासिल करना, रिस्पेक्ट इन फॉरेन कंट्रीज़, वो आपको बहुत मिलेगी। मैं तजारत ट्रेड, यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि ट्रेड कीजिएगा इस महीने और आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आपकी क्यास राय, आपकी स्पेकुलेशन बहुत ही बेहतर होगी, फॉरेन अफेयर्स में आपकी आप मामलात में आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे आपके तीन किस्म के चीज़ें हैं, एक तो रफ़ीक याद यानी कि मियाँ बीवी के तलकात, दूसरा शराकत दारी, तजारत और सरमायाकारी इसमें आ जाती है, और तीसरा सफ़र, गैर मुल्की सफ़र और दूसरों की टिकट पर सफ़र करना। तो ये एक कह लें कि लियो, मैंने ज़रा थोड़ी सी तफसील से आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं, तो बेहतर। और फिर कंपेटिबिलिटी बहुत होगी आपस में, चौंचले बड़े होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव नहीं है तो वो लव, क्योंकि सच्ची मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकती है। आई होप इट इज़ एनफ फॉर यू, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।